हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी प्रेसिडेंट का मेकअप क्या उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले अपनी स्किन केयर कर लेंगे, टोनर अच्छे से अपनी स्किन पे एब्जॉर्ब करा लेंगे डैब डैब करके, क्योंकि भाई स्किन केयर मेन होता है। उसके बाद अपना कंसीलर लेंगे और कंसीलर से पूरे फेस को डार्क कंसीलर से पूरे फेस को अच्छे से बना लेंगे डार्क, क्योंकि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप होता है। तो बेस जो होता है हमारा स्किन टोन, जैसे कि हमारा रेफरेंस का होता है, उसी टाइप में हम पूरा स्किन टोन कराते हैं। उसके बाद जो हमें लाइंस विजिबल करनी होती है वो डार्कर करते हैं और मेरा हम लोग का गेटअप तैयार हो जाता है। आप लोगों ने पहले ही देख लिया, सो लास्ट मतलब कि आगे का, तो आगे मैंने यूज़ किया डार्कर शेड आई शेडो, जैसे कि डार्क ब्राउन एंड देन ब्लैक। तो जितनी भी लाइन, जैसे कि देखेंगे आप डिफरेंस इमेज में कि जो हमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसकी कहाँ कहाँ पे जॉ लाइन्स पड़नी है, वो एरिया डेप्थ होती है। तो डेप्थ में हमें डार्क जो शेड होते हैं उनको डाल के हम डेप्थ बना सकते हैं और फेस पे डेप्थ आ जाएगी। तो मे बी 90-20% मिक्स, ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि ये मैं ट्राई नहीं करती है, बट मुझे मना आया तो मैं कर लिया। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ भी डेप्थ थी उनके फेस पे, मैंने उनकी एक रेफरेंस इमेज सामने रखी थी और उसके बाद देखा उनके फेस पे कहाँ कहाँ पर डार्कर एरिया था एंड लाइटर एरिया, वहाँ या वहाँ पर उसी हिसाब से मैंने कलर स्टोन डाले हैं। और चीक्स पे, और ये देखिए जो नोज़ एरिया पे था उनका, वो काफ़ी डार्कर था। एंड देन आप देख रहे हैं जैसे कि स्माइल, अब मुझे ऐसे करके चीक्स को एनहेंस करना था तो मैंने स्माइल की और अपने वो उसको कवर हार्ड कर दिया, जिससे कि वो मैम के जैसे लगी। और उनका बहुत ही, मतलब मैं ट्राई करी हूँ ना अपना 100% दी हूँ, बट फर्स्ट टाइम था तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, बट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। तो मुझे बहुत लुक ये पसंद आया, क्रेजी लुक था और डिफरेंट था। भाई मेकअप से बोर हो गया था तो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, और मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आइज़ मेरी बड़ी थी, मैम की आंखें छोटी थी। अब उसको मैं थोड़ा सा डालना पड़ रहा था, तो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, फिर उसके बाद जाके मेरा गेटअप वैसा हुआ। पूरी आइज़ को मैंने कैसे करके थोड़ा छोटा किया, बट फिर भी उतनी छोटी नहीं, बट मैंने 90-20% ट्राई, मतलब कि रिज़ल्ट अच्छा आया था। और उसके बाद जितनी भी आइज़ के नीचे, आइज़ के ऊपर लाइन्स विजिबल हो रही थी, सबको डार्क कर करके हमें विजिबल करना ही करना है। देख रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं, बट जितनी भी शेडिंग है, शेडिंग मेन आती है इसमें। यहाँ पर भी मैम के यहाँ पर थोड़ा सा डार्कर एरिया था, उसको भी मैंने अच्छे से डार्क कर दिया। एंड देन देख रहे हैं आप फाइनल लुक, अभी आपको दिखेगा फाइनल लुक, काफ़ी 90 मिल गया। तो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और क्रेजी क्रेजी वीडियोज़